हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। नमस्ते दोस्तों, एकता मशीन्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। प्लीज़ स्टे फिट, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। सो नाउ वी आर गोना लॉन्च अ मिनी बॉटलिंग प्लांट। हम दोस्तों एक मिनी बॉटलिंग प्लांट के बारे में हम आपको एक डेमो देंगे। कस्टमर को एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो अभी 2 साल से हम देख रहे हैं कि बिकॉज ऑफ कोविड के कारण हाइजीन का कस्टमर को बहुत ही ज़्यादा प्रेफरेंस हो गया है कि हम प्रोडक्ट बनाएंगे कस्टमर के लिए। हमारे लिए हाइजीन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो हाइजीन के लिए कस्टमर का डिमांड जो है वो बढ़ गया है बिकॉज ऑफ दिस कोविड इशू। नाउ पीपल आर वेरी मच अवेयर दैट वी नीड टू गिव हाइजीनिक प्रोडक्ट टू द कस्टमर। कस्टमर को हाइजीनिक प्रोडक्ट देना अभी अत्यंत ज़रूरी हो गया है। सो दैट इज़ द पॉइंट नंबर 1 विच वी हैव कॉन्सेंट्रेटेड इन डेवलपिंग दिस मशीन। इस मशीन को डेवलप करने में हाइजीन का हमने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस, जो कस्टमर का प्रेफरेंस है उसको ध्यान में रख के हमने ये पूरा मॉडल हमने बनाया हुआ है। सो दोस्तों, ये है एकता सेमी ऑटोमेटिक इलेक्ट्रो न्यूमेटिक मिनी बॉटलिंग प्लांट विच वर्क्स ऑन काउंटर प्रेशर इलेक्ट्रो न्यूमेटिक फिलिंग सिस्टम। सो ये जो है ये काउंटर प्रेशर फिलिंग सिस्टम ही है, बट इसको हमने इलेक्ट्रो न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम दिया गया है, जिससे आपको जो शेल्फ लाइफ है, जो क्वालिटी है, वो काफ़ी सुपीरियर आपको मिलेगी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हमने देखा है, कस्टमर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है, जो इशू है आज की तारीख में, है वो है लेबर। लेबर का कस्टमर को सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज की तारीख में। सो टू सॉल्व द लेबर इशू, लेबर का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होना चाहिए, हाइजीन जो है उसका ध्यान रखना चाहिए, और एक मिनिमम बजट के अंदर हम मैक्सिमम आउटपुट एंड विद गुड क्वालिटी हम कैसे प्रोडक्ट दे सकते हैं, उसके ऊपर हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग करके एक मशीन डेवलप किया है। एक मिनी बॉटलिंग प्लांट हमने सेटअप किया है, जिस प्लांट को लगाने के बाद आपको और कोई दूसरी मशीन की आवश्यकता नहीं है। सिंपली आप इसमें देख सकते हैं, द मेन प्लांट इज़ द फिलर, द काउंटर प्रेशर न्यूमेटिक फिलिंग सिस्टम। ये मेन मशीन है जिसमें हमने एवरीथिंग एक कॉम्बिनेशन में दे दिया है। यहाँ पे आपका सोडा का भी फिलिंग होगा, यहाँ पे आपका सायरप डोजेज भी होगा, एंड यहाँ पे कैपिंग भी दिया हो गया है। सो एवरीथिंग इज़ इन वन मशीन, प्लस इसमें एक मिनी चिलिंग सिस्टम भी दिया गया है, 1 टन का कंप्रेसर प्रोवाइड किया गया है। आपका जो टेम्परेचर है ये अगर 35 डिग्रीज के ऊपर जा रहा है, आप इस मशीन को ऑन करेंगे तो लगभग 2 से 2.5 घंटे के अंदर आपका 4 डिग्री के नीचे आपका जो टेम्परेचर है पानी का वो चला जाएगा। तो टेम्परेचर कम होने के कारण जो मिक्सिंग है CO2 और पानी का वो काफ़ी अच्छा होता है, और जो कंजम्पशन है CO2 का वो काफ़ी लो होता है। तो समझ लीजिए कि आपके कार्बोनेशन के अराउंड 50 to 80 PSI के प्रेशर के ऊपर आपको क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलेगी। इसमें हमने कार्बोनेटर, एक मिनी कार्बोनेटर प्रोवाइड किया गया है, विद गिव्स अ रीजनेबल स्पीड अकॉर्डिंग टू दिस मशीन। मशीन के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है, ऑलराइट। और इस मशीन की खास बात ये है कि यू जस्ट नीड वन ऑपरेटर। यस, दैट्स राइट, यू जस्ट नीड वन ऑपरेटर। एक ही ऑपरेटर केवल यहाँ पे यूज़ करेगा, और आपको 5 BPM 5 बॉटल प्रति मिनट की स्पीड से आपको ये भर के देगा आपका ऑपरेटर। विच मीन्स दैट इफ़ दिस मशीन वर्क्स फॉर 10 to 12 आवर्स, ये मशीन अगर 10 से 12 घंटे काम करेगा तो लगभग 3000 से 3500 के प्रोडक्शन, 3000 से 3500 बॉटल, जो कि 200 ml की बॉटल रहेगी, उसका प्रोडक्शन ये मशीन आराम से पर डे कर सकता है। यस, सो दिस मशीन हैज़ एवरीथिंग अंडर वन रूफ। बट इसके साथ हम जो आपको देंगे वो है वॉशिंग मशीन। दिस वॉशिंग मशीन इज़ अ हाई प्रेशर वॉशिंग मशीन। ये जो वॉशिंग मशीन है इसमें आपको केवल 2 बॉटल को लोड करना है और प्रेस करना है, तो बॉटल जो है परफेक्टली वॉश होता है। वॉश करना भी बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, हाइजीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर दैट सेक आपके बॉटल के अंदर जो डस्ट पार्टिकल सेटल होते हैं, सो डस्ट पार्टिकल सेटल होने से नंबर 1 बॉटल का इंप्रेशन ख़राब हो जाता है, सेकेंडली बॉटल के अंदर फिजीनेस, बॉटल के अंदर फोमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगता है, थर्डली द लुक ऑल्सो गेट्स डिस्ट्रॉयड, जो लुक है वो भी डैमेज हो जाता है। सो टू सेव ऑल दीज थिंग्स वॉशिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बॉटल का वॉशिंग होना अत्यंत ज़रूरी है। सो आफ्टर द वॉशिंग इज़ डन, यू कैन लोड ऑल द बॉटल्स इन द क्रेट।
आप देख सकते हैं ये बॉटल है, ये क्रेट है, ये कैप है। बेसिकली यू गेट एवरीथिंग फ्रॉम अस। आपको हमारे यहाँ पे बॉटल भी मिल जाएगा, आपको कैप भी मिल जाएगा, आपको क्रेट भी मिल जाएगा एंड यू विल ऑल्सो गेट द फॉर्मुलेशन। आपके एरिया में जो जो फॉर्मुलेशन चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल देर इज जीरा, ऑरेंज, लिमका, क्लियर लाइम, जिंजर, पुदीना मसाला, फालसा, दीज आर सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लेवर्स, यू कैन गेट इट फ्रॉम अस। हम जो फ्लेवर्स देंगे आपको, हम कभी फ्लेवर्स में, फ्लेवर्स की क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। वी ट्राई टू गिव द बेस्ट क्वालिटी टू द कस्टमर सो दैट आपका फ्लेवर जब मार्केट में जाएगा तो फर्स्ट इंप्रेशन जो कस्टमर पे पड़ना चाहिए वो एट पार होना चाहिए क्वालिटी से। द फर्स्ट इंप्रेशन शुड बी सो गुड दैट रिपीट ऑर्डर आपको आते रहे। सो दैट्स वाई वी नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑफ आर फ्लेवर्स। यू विल गेट द बेस्ट ऑफ द क्वालिटीज ऑफ फ्लेवर्स फ्रॉम अस। एंड अपार्ट फ्रॉम सॉफ्ट ड्रिंक, इस मशीन की खास बात यह है कि सॉफ्ट ड्रिंक तो आपका बनेगा ही, बट सॉफ्ट ड्रिंक के साथ आप इसमें जूस भी बना सकते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक, अगर आपने आपको सॉफ्ट ड्रिंक नहीं बनाना हो तो आप इसमें जूस भी बना सकते हैं, जैसे मैंगो जूस, लीची, ऑरेंज, गुआवा, लेमन, ऑल दीज काइंड ऑफ फ्लेवर्स आप इसमें जूस भी बना सकते हैं। सो बेसिकली इन 5 BPM स्पीड यू कैन मेक सॉफ्ट ड्रिंक ऑल्सो एंड यू कैन मेक जूस ऑल्सो। सो दिस इज द मिनी बॉटलिंग प्लांट। अलॉन्ग विद दैट ये आपका जो रहेगा ये है सायरप स्टोरेज टैंक। ये ड्यूअल टैंक सिस्टम है, इसमें आप सायरप भी आप स्टोर कर सकते हैं और इसमें आप जूस भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसमें हमने सायरप डाला हुआ है, वैसे अलग अलग फ्लेवर्स के आप इसमें सायरप प्रिपेयर करके डाल सकते हैं। और इसमें ऑटोमेटिक कनेक्शन दिया हुआ है मिनी बॉटलिंग प्लांट को। इसमें हमने यहाँ पे दोनों साइड पे आपका जब सोडा फिल होगा तो उसके बाद आपका इमीडिएट फ्लेवर भी इसमें ही फिल हो जाएगा। आपको अलग से फ्लेवर डालने के लिए कोई अलग से आदमी डालने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अ सिंगल पर्सन जो है वो फ्लेवर डालेगा और उसके बाद यहाँ पे सायरप का भी डोज होगा। ओके, इट इज़ वेरी सिंपल। एंड नाउ दिस मशीन, दिस इज स्टोरेज चिलर विथ RO, एकता मशीन्स स्टोरेज चिलर विथ RO। ये मशीन जो है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द मार्केट, तो हाइजीन के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव एन RO सिस्टम एंड अ मिनी चिलर सिस्टम। ये जो मशीन है ये 100 लीटर्स पर आर की स्पीड में आपका RO भी प्रोसेस करके देगा और आपका स्टोरेज चिलिंग भी करके देगा। सो अगर कोई ऑपरेटर को इस मशीन पे कंटिन्यूस काम करना हो विदाउट एनी ब्रेक, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ सेपरेट चिलर। इसमें तो हमने बाय डिफॉल्ट चिलर दिया गया है, इसमें चिलिंग सिस्टम है, बट यू नीड टू हैव एन एक्स्ट्रा चिलर सो दैट आपका काम कंटिन्यूसली एक टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे और आपका काम कंटिन्यूस चलता रहे। सो फॉर दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड सेकेंडली वी हैव गिव सेमी इंडस्ट्रियलाइज्ड RO सिस्टम। सेमी इंडस्ट्रियलाइज्ड RO भी हमने प्रोवाइड किया गया है, जिसमें अगर आपका जो पानी का TDS है वो अगर 1500 से 2000 तक भी चले जाता है, देन ऑल्सो इट कैन गिव यू अ TDS ऑफ अराउंड 50 to 70। 50 से 70 का TDS वो आपको आराम से आपका 1500 के TDS को कन्वर्ट करके आपको पानी जो है वो लाइट वाटर आपको बना के देगा और प्योर वाटर आपको बना के देगा, ताकि आपका जो कार्बोनेशन है वो परफेक्ट रहे, आपका प्रोडक्ट जो है वो स्ट्रांग रहे। ऑलराइट, सो दिस वॉज अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस प्लांट इज़ अ मिनी बॉटलिंग प्लांट। ये आपका स्टोरेज चिलर, ये सायरप स्टोरेज टैंक, दिस इज ऑल इन वन मिनी बॉटलिंग प्लांट, दिस इज वॉशिंग सिस्टम एंड दिस इज मिनी कार्बोनेशन यूनिट। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स अभी मैं आपको मशीन का ऑपरेशन बताऊंगा कि कितना फास्ट काम होगा। ये एक क्रेट है, एक क्रेट आपका लगभग 5 मिनट में आपके एक क्रेट में सारे बॉटल्स फिल हो जाने चाहिए। ये बॉटल जो है ये 200 ml का नहीं है, ये 250 ml का बॉटल है। तो आपको ये जो बॉटल है 250 ml का और ये जो कैप्स, ये सब आपको हमारे एकता में से आपको सब उपलब्ध हो जाएगा। अब मैं आपको फिलिंग बताऊंगा। ये जो है ये सिस्टम के बारे में हम एक ब्रीफ जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पे दो स्विच बटन दिए हुए हैं, ये दोनों का जो कनेक्शन है वो यहाँ के फिलिंग सिस्टम के साथ है। एवरी फिलिंग सिस्टम हैज़ दिस कनेक्शन और स्विच। आप इसको अगर कोई भी फिलर के अंदर, कोई भी न्यूमेटिक फिलर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिखता है तो आप स्विच को बंद कर सकते हैं, तो आपका काम डिस्टर्ब नहीं होगा। आप एक सिंगल फिलर से भी काम कर सकते हैं,
काम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा। ऑलराइट, सो हमने दोनों फिलर को ऑन रखा है। सेकेंडली, ये फिलिंग सिस्टम है, ये न्यूमेटिकली कंट्रोल सिस्टम है। इसमें आपका न्यूमेटिकली बॉटल ऊपर जाएगा, आपका सोडा फिल होगा और आपका सायरप डोसेज होगा। सिंगल बटन से आपका ये तीनों प्रोसेस एक साथ हो जाता है। एंड देन ये बटन को मैं नीचे करूँगा तो बॉटल, जो फिल बॉटल है, वो नीचे आ जाएगा। यहाँ पे फ्लेवर एम्प्टी का इंडिकेटर दिया हुआ है। यदि अगर आपका फ्लेवर टैंक में से फ्लेवर ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पे इमीडिएट आपको इंडिकेशन आ जाएगा, ताकि आपका प्रोसेस जो है स्टॉप हो जाए। सेकेंडली, यहाँ पे फ्लेवर पर्जिंग सिस्टम है और फिलिंग ऑन है। ये जो सिस्टम हमने दिया है, ये जूस के लिए है। अगर आप जूस फिल करेंगे तो अब आपको इसका आपको वापर करना है। यहाँ पे इमरजेंसी स्टॉप बटन दिया हुआ है। इन केस अगर मशीन में कुछ भी प्रॉब्लम डिटेक्ट होता है काम करते करते, तो आप इमीडिएटली इस बटन को आप प्रेस कर दीजिए तो आपका पूरा मशीन जो बंद हो जाएगा, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कैपर के लिए भी हमने ऑन ऑफ दिया गया है, ताकि आपका इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वेस्ट ना हो। मैं ऑन करूँगा तो कैपर चालू हो जाएगा, आप देखिए। और ये टेम्परेचर ऑन ऑफ है, मुझे देखिए, आप अभी 0 डिग्रीज पे टेम्परेचर दिखा रहा है। टेम्परेचर को अगर मैं ऑफ कर दूंगा तो इंडिकेशन चला जाएगा। एंड दिस इज़ द इंडिकेशन दैट आपका सब सप्लाई बराबर है, आपका इलेक्ट्रिक सप्लाई परफेक्ट है। और इन केस अगर इलेक्ट्रिसिटी के फ्लक्चुएशन होता है, अगर इलेक्ट्रिसिटी का कुछ प्रॉब्लम होता है, तो ये ड्रॉप हो जाएगा। इससे आपका मशीन जो है वो 100% आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सेफ रहेगा और आप आराम से इसका इस्तेमाल एफिशिएंटली कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोना शो यू द वर्किंग ऑफ द मशीन। हम आपको इस मशीन का वर्किंग बताएंगे। वेरी सिंपल, वेरी एफिशिएंट, ईजी टू यूज़, सिंपल कंट्रोल। आप देख सकते हैं देर इज़ नो नॉइज़। पावर कंजम्पशन भी काफ़ी लो है इसके अंदर। इमीडिएटली सब कट ऑफ हो जाता है। टेम्परेचर मेंटेन होने के बाद जो कंडेंसर है वो भी बंद हो जाता है। फ्लेवर जो सायरप का जो मोटर है वो भी बंद रहता है। एवरीथिंग इज ऑफ व्हेन देर इज़ नो यूज। सो नाउ वी आर गोना शो द ऑपरेशन। पहले मैं दो बॉटल को लोड करूँगा। आई लोड टू बॉटल्स ओवर हियर। नाउ विद द हेल्प ऑफ द कंप्रेसर ऊपर जाएगा, उसके बाद आपका सोडा फिल होगा, आपका स्ट्रॉन्ग सोडा जो है वो फिल होगा। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्निफ्टिंग है वो पीछे से हमने कनेक्शन दिया हुआ है, जिससे स्निफ्टिंग निकल जाएगा। उसके बाद आप देखिए, जो सायरप है वो भी ऑटोमेटिकली डोज हो गया, आपको अलग से एक पर्सन की ज़रूरत नहीं है डोज करने की। और फिर बीप होने के बाद मैंने नीचे ले लिया। पहले तो ये दोनों बॉटल को मैं क्रेट में लोड कर दूंगा, रख दूंगा। उसके बाद मैं दूसरे दो बॉटल्स लूँगा और बाय द टाइम यहाँ पे फिलिंग होगा, तब तक मैं यहाँ पे कैपिंग कर लूँगा। आई जस्ट कैप इट, आई जस्ट ऑन द कैपर एंड टच इट, एंड नाउ इट इज़ कैप्ड। जस्ट टच एंड द कैपिंग इज़ डन। सी, आफ्टर द बीप आई हैव अनलोडेड द बॉटल्स। बॉटल्स को अनलोड कर दिया, नीचे रख दिया, दूसरे दो बॉटल्स डाल दिए और वापस ऑन कर दिया। बाय द टाइम आपका फिलिंग चालू है, मैं कैपिंग कर लेता हूँ। सो गाइज, यू कैन सी ओवर हियर, यू कैन सी द कार्बोनेशन ओवर हियर, वेरी स्ट्रॉन्ग द कार्बोनेशन हैज हैपेंड।
काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग हुआ है, लेवल में फीलिंग हुआ है, और आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली खाली एक सिंगल ऑपरेटर ने बॉटल को लोड अनलोड किया, सोडा का भी फीलिंग हुआ, ऊपर से सायरप का भी डोजिंग हुआ, और उसके बाद कैप भी हो गया। एवरीथिंग हैपेंड इन जस्ट दिस स्मॉल यूनिट, एक स्मॉल यूनिट के अंदर है हर चीज़ आपका इजीली हो गया है। सो बेसिकली इन दिस यू गेट एवरीथिंग। आपको मशीन्स तो हमारे पास मिलेगी ही, मशीन्स के साथ साथ जो सोडा बनाने का जो फॉर्मुलेशन है, जो फ्लेवर्स है, आपको जो भी फ्लेवर्स चाहिए वो हमारे पास सारे फ्लेवर्स उपलब्ध है। हर फ्लेवर आपको मिलेगा हमारे पास, बी इट जीरा, ऑरेंज, लेमन, कोला, एनी काइंड ऑफ फ्लेवर्स। देर आर इन जीरा ऑल्सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लेवर्स। देर इज़ नेचुरल जीरा, नेचुरल जीरा जो है गुजरात में बहुत ज़्यादा चलता है। देन देर इज़ क्लियर जीरा, देन देर इज़ जीरा मसाला। जीरा मसाला महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा चलता है। तो जीरा के भी अलग अलग प्रकार है, वो सारे प्रकार आपको हमारे पास मिल जाएंगे। एंड यू गेट एवरी काइंड ऑफ अदर फॉर्मुलेशन फ्लेवर्स के साथ साथ, फ्लेवर इनको एनहांस करने के लिए उसका और जो टेस्ट है, उसका जो टोन है, उसका जो कलर है, उसका जो प्रेजेंटेशन है, उसको और इंक्रीज करने के लिए, टेस्ट बड्स के लिए और हम क्या बेटर कर सकते हैं, उसका फॉर्मुलेशन सेट भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। विद द फॉर्मुलेशन यू ऑल्सो गेट द बॉटल। आपको बॉटल भी मिलेगा, आपको कैप भी मिलेगा, प्लस आपको क्रेट भी मिलेगा। सो बेसिकली यू गेट एवरीथिंग अंडर वन रूफ एट एकता मशीन्स। आपको हर चीज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम आपको हर चीज़ मिल जाएगा। और ये जो बॉटल्स है, बॉटल्स को अगर आपको श्रिंक रैप करना है तो श्रिंक रैप करने के लिए जो मशीन है, जो हीट गन मशीन है, आपको वो भी मिल जाएगा। सो बेसिकली इन दिस प्लांट, दिस होल मिनी प्लांट, इफ़ यू कम टू एकता मशीन्स यू गेट एवरीथिंग। तो आप ज़रूर आइए, हमारा कस्टमर केयर नंबर है, कस्टमर केयर नंबर पे आप ज़रूर कॉल कीजिए। हमारा कस्टमर केयर नंबर है +91 8822 686868। इस नंबर पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों, जिस प्रकार हमने सॉफ्ट ड्रिंक तैयार किया हुआ है, आप देखिए एकदम टाइट हो गई है बॉटल। जिस प्रकार हमने सॉफ्ट ड्रिंक बनाया हुआ है, उसी प्रकार हम आपको जूस बना के बताएंगे। हमने मैंगो जूस प्रिपेयर किया हुआ है इस फ्लेवर टैंक के अंदर, आप देख सकते हैं इसमें हमने मैंगो प्रिपेयर किया हुआ है। इसका पूरा फॉर्मुलेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसका फॉर्मुलेशन आपको एकता मशीन्स की ओर से, सारे फॉर्मुलेशन आपको मैंगो, गुआवा, लीची, लाइम, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, एनी काइंड ऑफ फ्लेवर जो है जूसेस के अंदर जो भी रिक्वायर्ड है आपको, आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए और हम डेफिनेटली आपको सहायता दे पाएंगे। सो ओवर ईयर ऑल ओवर इंडिया जो है मैंगो का चलन सबसे ज़्यादा है। मैंगो में लोग फ्रूटी बेस के ऊपर डिमांड करते हैं, माजा बेस के ऊपर डिमांड करते हैं। सो ओवर ईयर व्हाट वी हैव शोन ओवर ईयर इज़ द स्वीट एंड टेंगी बेस ऑफ फॉर्मुलेशन। आप देख सकते हैं कलर, हम आपको अभी फिल करके बताएंगे। बहुत ही इजी है, यहाँ पे फिलिंग का बटन है। जिस प्रकार हमने सोडा के लिए ऑपरेशन बताया है कि यहाँ पे इजीली ऊपर जाता है, सोडा फिल होता है, बाद में सायरप डोज होता है और नीचे आ जाता है, बॉटल अनलोड करना रहता है, उसी प्रकार यहाँ पे जो जूस है उसका ऑपरेशन का यहाँ पे हमने सिस्टम दिया हुआ है। यहाँ पे हम खाली फिलिंग ऑन का बटन ऑन करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे इमीजिएटली यहाँ पे डोज हो गया है मैंगो जूस। ऑलराइट, अभी यहाँ पे हम खाली कैप को ऑन करेंगे, जो कैप है हम यहाँ पे प्लेस करेंगे एंड देन जस्ट टच इट एंड रिलीज इट। बॉटल कैप प्लेस करेंगे, टच इट एंड रिलीज इट, दैट्स इट। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने मैंगो जूस भी तैयार किया हुआ है, हमने सॉफ्ट ड्रिंक भी तैयार किया हुआ है। इसमें आपको अन्य प्रकार के अलग अलग सॉफ्ट ड्रिंक के फ्लेवर्स मिल जाएंगे, कोला, जीरा, लेमन, एप्पी फिज, एनी काइंड ऑफ फ्लेवर, पुदीना मसाला, लेमन मसाला, एनी काइंड ऑफ फ्लेवर यू वांट, यू विल डेफिनेटली गेट इट फ्रॉम अस। एंड फॉर जूसेज ऑल्सो, एनी काइंड ऑफ जूस फ्लेवर यू रिक्वायर, वी गॉट ऑल द जूसेज फॉर्मुलेशन एज वेल। आपको दोनों फ्लेवर हमारे यहाँ पे मिल जाएगा, आपको बॉटल भी मिल जाएगा, आपको जो कैप्स है आपको वो भी मिल जाएगा, एज वेल एज आपको जो एकता क्रेट्स है वो भी मिल जाएगा। सो बेसिकली दोस्तों, आपको मशीन के साथ साथ पूरा एंड टू एंड यू विल गेट एवरीथिंग फ्रॉम अस अंडर वन रूफ। सो एज यू हैव सीन, अगेन आई रिपीट इट, यहाँ पे आपका वॉशिंग होगा बॉटल का, यहाँ पे आपका फिलिंग होगा और आपका कैपिंग होगा। यहाँ पे ये प्रोसेसिंग मशीनरी है, यहाँ पे आपका सायरप जो है वो तैयार होगा, सायरप या जूस। और ये जो मशीन है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मशीन है इफ़ यू वांट टू डू इट हाइजीनिकली। अगर आपको हाइजीनिकली आपका प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, तो इसमें सेमी इंडस्ट्रियलाइज्ड आरओ सिस्टम दिया गया है, 100
केवी 100 लीटर्स पर आर की स्पीड का आरओ दिया हुआ है, एज वेल एज 100 लीटर्स पर आर का यहाँ पे स्टोरेज चिलर भी दिया हुआ है। तो डेफिनेटली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये मशीन से पूरा आपका जो प्योरीफाइड जो चिल्ड वाटर है वो इस मशीन में जाएगा, आपका जो मिनी बॉटलिंग प्लांट है वहाँ पे सप्लाई होगा एंड देन वहाँ से आपको यहाँ पे फिलिंग करना है। इट इज़ वेरी इजी टू इंस्टॉल, बहुत ही इजी है, हम आपको ये प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन गाइडेंस चाहिए तो हम ऑनलाइन गाइडेंस भी आपको दे सकते हैं। एंड आप देखिए कि बहुत ही मिनिमम जगह के अंदर, बहुत ही कम स्पेस के अंदर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और ये सारी मशीन जो है आपकी मिनिमम स्पेस के अंदर आ जाती है, फ्रॉम य टू य, दैट्स इट, इट इज़ डन। तो आपका स्पेस रिक्वायरमेंट भी काफ़ी कम रहेगा। सो इन लो बजट यू कैन स्टार्ट अ गुड फैक्ट्री विद गुड क्वालिटी। और एक बात बहुत ज़रूरी है इसके अंदर कि आपका जो सिस्टम है ये न्यूमेटिक है, ये काउंटर प्रेशर फिलिंग सिस्टम है। जो अन्य कंपनियां हैं ये रेगुलर बेसिस के ऊपर फिलिंग करके देती है, जैसा डिस्पेंसर मॉडल है वैसा देती है। ये है न्यूमेटिक इलेक्ट्रो न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम जिसके अंदर आपका पर्जिंग होता है, जिससे आपका जो लाइफ है आपका प्रोडक्ट का लाइफ बढ़ जाता है। इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज गैस है वो पूरा बाहर निकल जाता है और वो पर्ज आउट हो जाता है, जिससे आपका प्रोडक्ट ज़्यादा ड्यूरेबल रहेगा, आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड दैट इफ़ यू हैव अ स्मॉल बजट, अगर आपका बजट स्मॉल है, अगर आपके पास लेबर का प्रॉब्लम है, इफ़ यू जस्ट हैव वन और टू लेबर, सिंगल लेबर में भी काम हो जाएगा, तो अगर आपके पास एक या दो लेबर है, आपका बजट कम है, तो इट इज़ रिकमेंडेड टू गो फॉर दिस काइंड ऑफ मशीन। बट इसमें जो प्रोडक्शन है जो 200 से 250 ml है, ये करीबन 3000 से 3500 का आपको पर डे का प्रोडक्शन रहेगा। तो अगर आपका प्रोडक्शन जो है आप चाहते हैं कि आपका पर डे का प्रोडक्शन इतने में रहे, तो ये मशीन जो है ये आपके लिए बेस्ट है। तो आप इतना ध्यान रखिए कि आपका प्रोडक्शन जो है वो आप ध्यान में रखिए, आपका बजट ध्यान में रखिए, और फिर बाद में आप डिसीजन लीजिए कि आपको कैसा मशीन लेना है। अगर आपको इससे ज़्यादा बड़ा प्रोडक्शन करना है तो हमारे पास पूरा रोटरी लाइन के अंदर जो CSD सिस्टम में काम करता है, जो काउंटर प्रेशर फिलिंग सिस्टम में काम करता है, उसमें आपको रोटरी सिस्टम भी मिल जाएगा, जैसा 5 हेड रोटरी मशीन, 9 हेड रोटरी मशीन, 12 हेड रोटरी मशीन, 18 हेड रोटरी मशीन, एज वेल एज फुल्ली ऑटोमेटिक 12-6 प्लांट। आपको अगर बड़े लेवल पे काम करना है तो इट इज़ बेटर टू गो फॉर अ रोटरी मशीन, जिसमें सारे मशीन अलग अलग हो जाते हैं। इन्वेस्टमेंट बड़ा रहेगा लेकिन आपका जो मार्केट साइज़ है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो ऑलवेज टेक अ राइट डिसीजन। अगर आपका एरिया छोटा है, आपको छोटे एरिया में काम करना है, पर डे का रीजनेबल आपको अगर 3500-3000 का अगर प्रोडक्शन करना है 200 और 250 के वॉल्यूम में, देन यू शुड गो फॉर दिस मशीन। अदरवाइज ऑलवेज गो फॉर अ बिगर मशीन। बड़ा मशीन लेंगे तो ज़्यादा आपका अच्छा क्वालिटी रहेगा, ज़्यादा अच्छा आउटपुट रहेगा और ज़्यादा अच्छे से आप मार्केटिंग कर पाएंगे और आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को माल दे पाएंगे। सो थिंक ट्वाइस बिफोर इन्वेस्टिंग इन सॉफ्ट ड्रिंक मशीनरी। थैंक यू।